टाई ब्रेकर के लिए पहली किक दीपक ब्रदर्स की जर्सी नंबर 4 सोमरा और सामने होंगे टीम गरवा के गोलकीपर सनी। बहुत ही बेहतरीन की जज कर लिया था गोलकीपर ने, लेकिन बिल्कुल जमीन को छूती ही गेंद गोल जाल से जा मिली। बेहतरीन गोल। और अब बारी एफसी टीम धरवा की किक के लिए जर्सी नंबर 10 फिरदौस और सामने होंगे गोलकीपर रेमन। दीपक ब्रदर्स की गोलकीपर रेमन। काफी जोरदार प्रहार, रेमन लकड़ा के ऊपर से गुजर गई गेंद काफी तेज गति से। फिर दौर का ये जोरदार दीपक ब्रदर्स के जर्सी नंबर 12 विजय। अगले किक के लिए उनका सामना करेंगे गोलकीपर सनी एफसी टीम धरवा के गोलकीपर। काफी दूर से स्टार्ट रन अप लिया और गोलकीपर दाहिनी छोर पर गए बाई छोर पर सुंदर प्लेस में बेहतरीन गोल। अगली बारी एफसी टीम धरवा की रेमन लकड़ा बिल्कुल तैयार सामना करने के लिए जर्सी नंबर 5 बेटा। बेटा लेंगे अगली किक एफसी टीम धरवा के लिए और सामना करेंगे अनुभवी गोलकीपर रेमन लकड़ा। बहुत ही तेज प्रहार, जमीन को छूती हुई गेंद गोल। नेक्स्ट किक दीपक ब्रदर्स जर्सी नंबर 7 उपेंद्र और सामने गोलकीपर सनी। सनी एंड उपेंद्र छोर पर फ्लाई करते हुए सनी ने
काफी धीमी गेंद थी, जज करने में आसान हुआ गोलकीपर को, बाई चौर पर फ्लाई किया, सुंदर बचा, काफी काफी धीमा प्रहार, काफी धीमा प्लेसमेंट रहा, फायदा उठाया गोलकीपर सनी ने, कोई गलती नहीं की और सुंदर बचाव। अगली की एफसी तिंगरवा के जर्सी नंबर 17 सब्स्टिट्यूट होकर आए थे अमन, अच्छा बचाव यहां पर, सेम गलती की अमन ने भी और पूरा फायदा उठाया अपने अनुभव का गोलकीपर रेमन लकड़ा ने। फिर से एक बार बराबरी पर दोनों ही टीमें, जर्सी नंबर 8 सुंदर गोल, रोहन का कोई मौका नहीं गोलकीपर सनी के पास, बाई चौर पर सुंदर प्लेस। एफसी तीन घरवा के लिए किक करने आए हैं दीपक प्रेक्षक, जर्सी नंबर 7, काफी बड़े मैचों का अनुभव इनके पास। बड़े असहज महसूस करते हुए शायद गोलकीपर रेमन थोड़ा सा समय मांगा रेफरी से। अच्छा बचाओ, बिल्कुल शानदार बचाओ यहां रेमन लकड़ा का, डायरी चौक पर ड्राइव लगाते हुए काफी नजदीक गोलकीपर के, काफी नजदीक थे मारा दीपक ने, ये गेंद पावर थी नहीं, अनुभवी गोलकीपर और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच ये टकराव था जिसमें जीता गोलकीपर रेमन लकड़ा ने, खुद से ना खुश होंगे जरूर दीपक कच्छप। और अब दीपक कदर्स की बारी और सारी निगाहें होंगी गोलकीपर पर। सुंदर गोल और यहां पहले सेमीफाइनलिस्ट टीम हमारे बीच दीपक ब्रदर्स, काफी अच्छा मुकाबला रहा इन दोनों के बीच, दोनों ही टीमों का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन।